हेलो क्लास 10th, वी आर डूइंग सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। इसमें क्या है कि हमें जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है उसमें सिर्फ पॉलिनोमियल बनाना बताया हुआ है, तो पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो अल्फा बीटा कुछ इस टाइप से आते हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, इंपॉर्टेंट है बहुत भी, इफ 10 द पॉलिनोमियल दिस इज दिस। ये एक पॉलिनोमियल गिवन है, क्योंकि जो स्क्वायर वाला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है और ये उसकी एक जीरो है, तो इसकी दूसरी जीरो निकालो। ठीक है, वैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, लेकिन उससे नहीं हुआ क्योंकि जीरो ही अजीब सी आई, तो डायरेक्ट फैक्टराइज हो रहा था। हम क्या करेंगे, इसमें दोनों जीरोस का सम हमें पता है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाय ए। ठीक है, सम ऑफ जीरोस कितना है, माइनस बी मीन्स प्लस का फोर हो जाएगा, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, और आगे वन कुछ भी नहीं होता तो वन। ठीक है, और दोनों जीरोस, एक जीरोस तो आपको गिवन है, सॉरी इट इज 2 प्लस रूट 3 एक जीरो है, सेकंड जीरो नहीं पता मुझे, मैं यहाँ पे इसको सेकंड लिख रही हूँ, इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट 3 प्लस सेकंड इज इक्वल टू प्लस का 4। अब मुझे सेकंड जीरो चाहिए, इस सेकंड को यहीं रहने दो लेफ्ट साइड पर। ठीक है, 4 वहाँ ऑलरेडी है, ये 2 प्लस रूट 3 वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -2 -√3। तो आंसर वुड बी 4 में से 2 गए 2 2 -√3, यानी सेकंड जीरो है आपके पास 2 -√3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपको ये सम गिवन है, ये प्रोडक्ट गिवन है पॉलिनोमियल का, तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता पता ही है, एक्स स्क्वेयर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एक्स स्क्वेयर माइनस सम कितना गिवन है, 8x, प्रोडक्ट कितना है 12, यानी आपका पॉलिनोमियल बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक, अब इसकी जीरोस चाहिए, तो जीरोस कैसे निकलती हैं, इसको हम क्या करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट से डिवाइड करते हैं। मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाओ, इसके 12 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 12 का एलसीएम ले रही हूँ मैं, 2 6 2 3 3 1, यानी क्या फैक्टर्स बन रहे हैं, 6 एंड 2। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, x बाहर कॉमन x माइनस 6, माइनस 2 कॉमन x माइनस 6, x माइनस 6 x माइनस 2, यानी एक जीरो आ गई 6 और दूसरी जीरो आ गई 2। तो जीरोज निकालने का तरीका है, पहले अगर सम प्रोडक्ट क्यों ना, पहले पॉलिनोमियल निकालो, एंड पॉलिनोमियल में अगर मल्टीपल स्प्लिट लग रही है तो वो लगा के आप इसकी दोनों जीरोज निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल। ये जो ये पॉलिनोमियल गिवन है, इसका सम और प्रोडक्ट दोनों इक्वल है, सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, इट इज गिवन। सम का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट का फॉर्मूला सी बाई ए। माइनस बी मीन्स -27, एक माइनस उसके साथ भी है, अपॉन 4, एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला 3k² / 4, राइट। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, अगर होल डिनोमिनेटर है वो। यहाँ आया 27 इज इक्वल टू 3k², के स्क्वायर इज इक्वल टू 27/3, दैट इज 9, एंड के इज इक्वल टू स्क्वायर, वहाँ जाके रूट बनेगा, तो +-3 आपका आंसर आ रहा है, तो के की वैल्यू है +-3। ओके,